बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2014 का पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखें, ये द डायग्राम शोज द फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। एक फंक्शन -1 और 4 के दरमियान में इसकी डोमेन है वो डिफाइन किया जा रहा है। और ये यानी दो फंक्शंस बेसिकली हैं। एक फंक्शन को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि एक फंक्शन जो एफ एक्स 3x माइनस 2 स्टेट लाइन है, ये स्टेट लाइन है और ये -1 से लेके 1 तक है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा फंक्शन ये ऐसा है 4/5 माइनस एक्स था जो कि 1 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 1 इज लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 इसमें शामिल जरूर है। स्टेक द रेंज ऑफ f, f की रेंज मालूम करें। तो आप सबसे पहले इसकी देखें डोमेन, अगर ये इसका आप करें तो इसका आपका ये -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल 1 है, तो इसमें अगर आप एफ ऑफ -1 पुट कर दें आप, तो ये आ जाता है -3, -2, -5 के। और यानी ये पॉइंट हमारा जो है ये -1, -5। इधर अगर 1 पुट कर दें आप इसमें, तो ये 3, -2, ये 1, 1 आ जाता है। और तो इस फंक्शन की यानी डोमेन तो रेंज तो -5 और 1 के दरमियान में, लेकिन साथ में ये भी है अगर x 1 तो इसमें आ जाता है ये 1 है, और x इज इक्वल टू 4 पुट करें, अगर आप f ऑफ 4 पुट कर दें तो ये आता है 4/5 -4, तो 4/4 आ जाता है। और ये ग्राफ जो है ये पॉइंट 4, 4 है। तो अब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ, रेंज ऑफ एफ, रेंज एफ की इस तरीके से है -1 इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। ये रेंज आ गई इसकी। अच्छा, -5 से लेके इसकी रेंज आ गई -5 इज लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, -5 और 4 के दरमियान इसकी वैल्यू है। अच्छा, ये कहते हैं कॉपी द डायग्राम इन ऑन योर कॉपी स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स का इसी पे ग्राफ निकालना है। अच्छा, अब आप देखें कि एफ इनवर्स एक्स जो है एफ इज इक्वल टू एक्स से जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है। अगर एफ इज इक्वल टू एक्स का मैं ग्राफ निकालना चाहूँ तो एफ इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैं निकालूंगा। देखें ये बेसिकली एफ इज इक्वल टू एक्स का ये थोड़ा सा सही नहीं आया, एक मिनट। ये ठीक है, ये वाई एफ इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ग्राफ है, डॉटेड तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये वाई इज इक्वल एक्स का ग्राफ है, ये वाई इज इक्वल एक्स, इसके लिहाज से सिमेट्रिकल होगी लाइन वाई इज इक्वल एक्स। ये 1-1 ग्राफ है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इसका देखें तो ये तो 4, 4 है, तो इसका ग्राफ यकीनन आपका इस तरीके से बिल्कुल आएगा। देखें इस तरीके से ये ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये ऐसा बिल्कुल ये ऐसा ये हो गया। बाकी इसका ग्राफ देखें, ये लाइन है 1-1, तो ये 1-1 तो है। अच्छा, अब जो दूसरी लाइन आएगी देखें रेड में, वो कहाँ पे आ रही है, ये हिस्सा देखें, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करें, x इज इक्वल 0 पुट करें तो ये है 2/3, 0, और ये अगर इसमें ये है 0, -2, तो वो ग्राफ हो जाएगा -2, 0, ये यकीनन -2, 0 होगा, -2, 0, और ये होगा 0, 2/3, और इसके साथ टच करेगा 0, 2/3, 0, 2/3, ये 0, 2/3 ये पॉइंट होगा, और आपका ये स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन इधर तक, ये लाइन आपको जो है ये -5 और -1 पॉइंट होगा, -5, -1, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका ग्राफ होगा इस तरह स्केच करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है
कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन टू डिफाइन द फंक्शंस एफ इनवर्स गिविंग आल्सो द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच ईच एक्सप्रेशन इज वैलिड, यानी जो उसकी जो इसका रेंज होगा उसकी वो डोमेन, दो फंक्शन है इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन ये पहला ले लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू रेड पेन है, रेड पेन को ख़त्म करूँ, आप ये ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो x आ जाएगा 1 अपॉन 3 वाई प्लस 2 अपॉन 3, तो ये f इनवर्स x जो इसका आएगा वो आएगा 1 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3। अच्छा अब इसका देखें, ये इसकी रेंज थी माइनस वन, यानी माइनस वन इज टू वन डोमेन थी, और इसकी रेंज जो थी रेंज थी इसकी ये था माइनस फाइव, सॉरी इसकी डोमेन थी माइनस फाइव और वन के दरमियान, तो इसकी रेंज सॉरी इसकी डोमेन थी माइनस फाइव और वन के दरमियान, तो इसकी रेंज आ जाएगी माइनस फाइव और वन के दरमियान, तो ये वैलिड होगा माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ये इसकी यानी इसकी डोमेन हो जाएगी एफ इनवर्स एक्स पहला। अब दूसरे का भी इसी तरह करेंगे, दूसरे का देखें, दूसरा जो है ये है कि वाई इज इक्वल टू अगेन मैं ये ले लूँ y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 माइनस x करूँ, तो 5 माइनस x को मुझे x को सब्जेक्ट मैटर बनाना है, तो ये 5 माइनस x आ जाएगा 4 अपॉन y के, तो माइनस x आ जाएगा 4 अपॉन y माइनस 5 के, तो मुझे x आ जाएगा ये 5 माइनस 4 अपॉन y के, तो ये f इनवर्स x आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन x के। अच्छा ये 5 अपॉन 4 ये आ जाएगा इस तरह, और इसकी और इधर x यकीनन 0 के बराबर तो नहीं होगा, और इसकी जो है इसकी डोमेन जो आ जाएगी वो उसकी 1 इज लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू देखें 1 और 4 के दरमियान में है, इसकी जो रेंज है 1 और 4 के दरमियान, तो इसकी डोमेन 1 और 4 के दरमियान हो जाएगी, तो इसकी डोमेन 1 और 4 के दरमियान आ गई। तो मैं f इनवर्स x को इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, एक तो मैं लिखूंगा ये 1 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3, और इसमें लिखूंगा माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा लिखूंगा इसमें 5 माइनस 4 अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये लिखूंगा 1 इज लेस देन x, x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हमारा एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा।